बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कस्टर्ड शरबत लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम चीज़ों में ये बनेगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपका शरबत भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस मुहर्रम में। ये मुहर्रम स्पेशल में मैंने आपको ग्रीन कलर का शरबत दिया था और हलीम भी दी है। आई होप कि आप लोगों ने हलीम ट्राई किया होगा या तो वीडियो ज़रूर देखा होगा कि मैंने कितनी कम चीज़ों के अंदर इतना मज़ेदार सा हलीम तैयार किया था। ठीक है, आज मैं आपको इसी तरीके से शरबत बता रही हूँ जो कि बहुत ही कम चीज़ों में आप मज़ेदार सा शरबत तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे और हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए ये मैंने 2 किलो दूध ले लिया है, 2 किलो दूध लिया है मैंने। और इसके अंदर हम क्योंकि कस्टर्ड शरबत बना रहे हैं तो 1 टेबल स्पून, ये देखिए इस तरीके से भरा हुआ है ये। 2 किलो में हम 1 टेबल स्पून कस्टर्ड डालेंगे। ये पहले हम दूध और ये 10 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। सबसे पहले हम इसको दूध को उबलने के लिए रख देंगे और कस्टर्ड के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। जब हमारे दूध में उबाल आएगा उसके बाद हम ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है ग्रीन कलर का। आज हम बनाना कस्टर्ड से, आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, तो मैंने ये बनाना लिया है। ठीक है, बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया कस्टर्ड का। आधी कप पानी डाला है समझे मैंने इसके अंदर ना, इसके अंदर इसको हमने हल कर लिया है। अब हम दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर हम इसमें चीनी और कस्टर्ड एक साथ दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। अब हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं बॉयल आने के लिए। बाकी मैं आपको ड्राई फ्रूट्स इसके बाद दिखाऊंगी। लेकिन दूध में बॉयल आ गया है, अब हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देते हैं। आप चीनी इसमें मज़ीद ऐड कर दीजिएगा अगर आपको शरबत में मीठा कम लगे तो। ये मैंने इसमें नॉर्मल मिर्ची चीनी डाली है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर देंगे जो हमने पानी डाल के इसको बना के रखा था। ये देखिए कस्टर्ड भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब हम मुसलसल चलाते रहेंगे। 2 मिनट बस इसको हमें पकाना है जब तक ये अच्छा सा पक ना जाए। इसमें हमें सिर्फ इसका फ्लेवर देना है कस्टर्ड का, इसे हमें गाढ़ा नहीं करना है। बस इसको हम जरा सा पकने देंगे, जैसे ही ये पकने लगेगा तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। इसके अंदर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ग्रीन कलर का, मगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसका, अगर आपको कलर डार्क करना है तो। इसको हमें पकाना ज़रूर है 1 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मीठा हमें कम लग रहा था तो हमने ये 10 टेबल स्पून चीनी और इसमें ऐड करी है, क्योंकि हम इसके अंदर 2 गिलास पानी भी ऐड करेंगे तो इसमें मीठा कम हो जाएगा। मीठा तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा शरबत तैयार होने के बाद भी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट हमें इसे पकाना है। अभी इसमें बॉयल नहीं आया है कस्टर्ड डालने के बाद, तो हम ज़रा सा रोक देते हैं अपना चम्मच। देखिए हमारा दूध पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर हमने टोटल 30 टेबल स्पून चीनी डाली है। ठीक है, ये शरबत है, शरबत तो मीठा ही अच्छा लगता है। अब ये पकना शुरू हो गया है कस्टर्ड और हमारा दूध अच्छा सा पक गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसको हमें बहुत अच्छा सा ठंडा करना है। इसके बाद हम इसमें दुबलंगा और ड्राई नट्स वगैरह ऐड करेंगे। ये हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं 2 गिलास, पूरे 2 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए, जब ये इसकी भाप निकल जाएगी तो हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये बहुत ठंडा ठंडा सा हो जाए हमारा शरबत। फिर हम इसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। बस ये कस्टर्ड हमारा पक चुका है, पानी हमने डाल दिया है, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे अब हमें ठंडा करना है। हमारा जो शरबत है बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून हमने दुबलंगा ले लिया था, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम बादाम पिस्ते आप जितने भी चाहे ऐड कर सकते हैं। और
3 टेबल स्पून हमने ये गुलाब का अर्क ले लिया है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखो हमारा कितना जबरदस्त सा शरबत तैयार हो गया है। बस ये बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। इसमें चीनी भी बिल्कुल बराबर है, 30 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी डाली थी। अब हम आपको ये डिश आउट करके दिखाते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये रेसिपी मुझे मेरी दोस्त ने बताई थी। तो वो इस तरीके से बनाती है कि 1 किलो दूध के अंदर वो 1 किलो ही पानी डालती है। पानी डाल के फिर वो इसी तरीके से तमाम प्रोसेस करती है। तो उसका भी शरबत आप यकीन जाने बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैंने बनाया है आज। मैंने कहा पानी पानी ना हो जाए इसलिए मैंने इसमें पानी ज्यादा नहीं डाला है, सिर्फ 2 गिलास पानी डाला है 2 लीटर दूध के अंदर। और उसने 1 किलो दूध में 1 किलो ही पानी डाला था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो इस तरीके से शरबत बना सकते हैं। जब आप कस्टर्ड डालेंगे उसमें तो ये बिल्कुल इतनी अच्छी उसकी थिकनेस आएगी और वो बिल्कुल भी पतला नहीं लगेगा आपका शरबत। तो कस्टर्ड बहुत ही अच्छा है देखा जाए तो, 1 टेबल स्पून डालें और मज़ेदार सा शरबत। एक तो उसका मज़ा भी बहुत अच्छा होगा और दूसरा कि वो गाढ़ा भी बनेगा। तो बहुत से लोग जो कम अफोर्ड करते हैं तो वो इस तरीके से 1 लीटर दूध के अंदर 1 लीटर पानी डाल के और बिल्कुल इस तरह शरबत तैयार कर सकते हैं। तो हो गई ना बहुत अच्छी सी टिप जो आप अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा शरबत तैयार है ठंडा ठंडा। आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत कम चीज़ों में हमने इतना मज़ेदार शरबत घर में तैयार किया है। जैसे कि मेरी कुकिंग का नाम है निशात इजी कुकिंग, तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये शरबत भी दिया है आपको। और इससे पहले मैंने हलीम दी थी, आई होप कि आप लोगों ने मेरी हलीम ज़रूर देखी होगी। आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक इस शरबत के अंदर डाल दूंगी, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।